मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? आरसीटी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? जब भी हमारे टूथ में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा या गर्म लगता है, तो हम क्या करते हैं, मेनली मेडिसिन लेते हैं। लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है उसका हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। उस देन हमारा आईओपी होता है, इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ। उसमें क्या होता है, हम आईओपी लेके उसमें देखते हैं कि हमारा इन्फेक्शन कहाँ तक गया हुआ है। इनेमल, डेंटिन और पल्प, ये तीन होते हैं हमारे पास, जो इनकी सर्फेसिस होती है टूथ की। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो सर्फेस है इनेमल, डेंटिन और देन पल्प। जब भी हमारा इन्फेक्शन इनेमल को क्रॉस करके डेंटिन और डेंटिन को क्रॉस करके पल्प पल्प को एक्सपोज करता है, तब हमारी आरसीटी मेनली जाती है, आरसीटी हमारा होता है। तो इसमें क्या क्या हमें मेनली हमारा क्या होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आरसीटी होती क्या है, करता क्या है डेंटिस्ट आरसीटी में। आरसीटी क्या होता है, मेनली हमारा जो रूट कैनाल जो होते हैं हमारे पास, डायग्राम में देख सकते हो, जो कैनाल है उनकी सफाई की जाती है। रूट कैनाल जो हमारा इन्फेक्शन है वो कैनाल तक पहुंच गया, उसकी हम सफाई करते हैं। और हम मेडिकामेंट, मतलब इंट्रा कैनाल जो मेडिकामेंट है, मतलब जो मेडिसिन है, हम उसमें इंसर्ट करते हैं ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो, जिसका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है जो हम मेडिकामेंट डालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट जो स्टेप जो होता है वो एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में हम देखते हैं कि वो इन्फेक्शन, आप देख सकते हो ये एक्सरे है, एक्सरे में हमारा जो इन्फेक्शन है वो पल्प के पास पहुंच चुका है डेंटिन को क्रॉस करके। इनेमल है सबसे ऊपर जो हमारी दिखती है, ये लेयर, ये इनेमल है जो व्हाइट कलर की दिखती है। इसके बाद जो है वो डेंटिन है, डेंटिन के बाद आता है पल्प। पल्प जब एक्सपोज होगा, पल्प एक्सपोजर होगा, देन हमारे पास ये हमारा आरसीटी जाता है टूथ मेनली। तो हमारा क्या होता है कि इसमें स्टेप्स होते हैं। असेस कैविटी बनाते हैं हम, सबसे पहले ब्लॉक देंगे आपको। मान लो जैसे आपका पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दिया ऊपर वाला, हमें मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की आरसीटी करनी है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की आरसीटी। तो हम क्या करेंगे, कैनाल फाइंड करेंगे। कैसे, एसएस कैविटी बनाएंगे। एसएस कैविटी बना के हमें जैसे कैनाल मिल गए, कैनाल की प्रिपरेशन करेंगे हम, मतलब उसकी सूटेबल इरिगेशन करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम इरिगेशन करेंगे उसकी। इरिगेशन के बाद हम उसका जो हमारा जैसे राउंड बर है, राउंड बर से हम डिच देंगे। उसके बाद उसकी एसएस कैविटी हम आगे कैनाल्स को एक्सरे लेके हम उसका फाइंड करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैनाल्स को हम होते हैं हमारे पास इंट्रा कैनाल जो EDTA होता है, EDTA होता है और हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। हम मेनली हमें EDTA और सोडियम हाइपोक्लोराइड दोनों यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो हमारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम इसमें मेनली सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज़ करते हैं। देन हमारे पास इसके बाद एसएस कैविटी हमने बना ली, देन हम इसमें क्या करेंगे, हम उसकी वर्किंग लेंथ लेंगे। वर्किंग लेंथ कैसे लेंगे, हम जो हमारे पास फाइल्स है, फाइल से हम उसकी वर्किंग लेंथ मेजर करेंगे। उसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वर्किंग लेंथ में 0.5 to 1 mm शॉर्ट होना चाहिए अपेक्स से। अपेक्स से 0.5 to 1 mm शॉर्ट होना चाहिए, आप डायग्राम में देख सकते हो। देन हमारे पास वो जब हमारी फाइनल हो जाएगी, देन हमें फिर दोबारा उसकी इरिगेशन सफाई करनी। अपेक्स लोकेटर्स आते हैं इसके लिए हमारे पास, अपेक्स को लोकेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक अपेक्स लोकेटर क्या करते हैं, हम जैसे ही फाइल उसमें डालेंगे तो जब अपेक्स के पास 0.5 to 1 mm शॉर्ट होगा तो वो बीप करेगा। बीप करने का मतलब है वो आपको दिखेगा, एक ये डायग्राम में देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक अपेक्स लोकेटर, ये बीप करेगा। तो ये बीप करेगा तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि हम अपेक्स के पास पहुंच चुके हैं। हम फिर उसकी क्लीनिंग और शेपिंग करेंगे। क्लीनिंग शेपिंग करने के बाद रीमर्स आते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। रीमर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे कैनाल के अंदर। रीमर्स को दो टेक्निक्स होती है, बैलेंस फोर्स टेक्निक, सेकेंड होती है वॉच वाइंडिंग मोशन। बैलेंस फोर्स टेक्निक में हम बैलेंस, इसमें हम डायग्राम में आप देख सकते हो, हम ध्यान में रखनी है चीज, हमें क्या करना है, फाइल का साइज बढ़ाते रहना है, ताकि जो हमारा लास्ट में हम यूज करेंगे, जो गट्टा पर्चा हम यूज करेंगे, उसके लिए प्रॉपर स्पेस हो हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, फाइल का साइज बढ़ाते रहेंगे टिल 25K फाइल, जो हमारी 25 नंबर के फाइल है, वहां तक हम उसको साइज बढ़ाते रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करेंगे लास्ट में। इंस्ट्रूमेंट को रिमूव करने के बाद हम कैनाल को इरिगेट करेंगे।
इरिगेट करेंगे, लार्ज बड़ी फाइल लेके फिर देन उसको इरिगेट. हमारा इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसको 6 मंथ्स के लिए छोड़ देंगे ऊपर टेम्परेरी देके, टेम्परेरी मटेरियल देके. तो उसमें क्या होगा कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, उसको रिपेयर करेगा. नहीं तो हम मेनली क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंट पेपर पॉइंट से उसका, उसको कैनाल को हम मतलब ड्राई करके, एब्जॉर्बेंट पेपर पॉइंट्स जो होते हैं उनको ड्राई करके, आप डायग्राम में देख सकते हो, ड्राई करने के बाद हम उसको, हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो ZOE आता है, ZOE पेस्ट, वो हम यूज करते हैं इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट. वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी एक तरह की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब उसमें हम डिप करके गट्टा पर्चा को डालेंगे उसमें, तो जो भी इन्फेक्शन है, डेब्रिस है, जो भी मतलब, वो तो हमने निकाली थी, लेकिन जो कुछ बचता है वो क्या करेगा, सूथनिंग इफेक्ट देगा. क्योंकि हमने जब कैनाल में हमने फाइलिंग की है तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लीडिंग हुई है, कुछ हमारी डैमेज सेल्स हैं, कुछ है, तो वो हमारी सूथनिंग इफेक्ट देगा. यूजिनॉल, यूजिनॉल में क्या क्लोव ऑयल होता है, वो क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, सूथनिंग इफेक्ट है, मेडिकामेंट है. तो ZOE हम उसमें गट्टा पर्चा में डिप करके हम इंसर्ट कर देंगे. जो ये लास्ट स्टेप है, ये ऑब्चुरेशन है, ऑब्चुरेशन लास्ट स्टेप है. इसमें क्या करेंगे, फिर हम उसको गट्टा पर्चा को हमने जैसे इंसर्ट कर दिया, आप डायग्राम में देख सकते हो, तो हम जो ऊपर का जो बचा हुआ है उसको हम बॉल बर्निशर इंस्ट्रूमेंट होता है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट, उससे हम उसको सील कर देंगे. मतलब थोड़ा वो करके हम उसको हीट करके उसको सील कर दें, फिर हम वो देके उसको टेम्परेरी, फिर हम रेस्टोरेशन, मतलब अभी टेम्परेरी देंगे. टेम्परेरी देने के बाद फिर हम उसको हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद पेशेंट को दोबारा बुलाएंगे. अगर कोई सिम्टम नहीं शो करता देन हम उसकी परमानेंट फिलिंग कर देंगे. टेम्परेरी इसलिए देते हैं कि अगर कोई, अगर बाई चांस उसको मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट को दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी हटा के हम अगेन उसकी एक्सरे लेके हम देखेंगे कि कहाँ पे दिक्कत आई है, जो कि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो देन हम उसका क्या करेंगे, अगर कोई पेन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं उसको पेशेंट को शो हो रहा, देन हम उसका उसको परमानेंट रेस्टोरेशन देके और उसकी क्राउन कटिंग करके उसको कैप चढ़ा देंगे. तो ये RCT का प्रोसीजर होता है मेनली, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर जो डेंटिस्ट जो है वो इसमें ब्लॉक देता है, मतलब आपको एनेस्थेसाइज करा जाएगा आपके टूथ को, तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या है. आफ्टर जो आपका RCT के बाद भी अगर थोड़ा बहुत पेन होता है, वो हम एनाल्जेसिक्स जो देते हैं, पेन किलर, उससे पता ही नहीं लगता कि क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा आपका. तो ये RCT के बारे में हमने आज पढ़ा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है. SS कैविटी का हमने मेनली, जो SS कैविटी हम बनाते हैं, इसमें हम, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जो जो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, SS ओपनिंग के लिए हमारे पास कैनाल कैसे फाइंड करते हैं वो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा.